अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये वीडियो रिव्यू करेगी हमारी असाइनमेंट नंबर 3 को, जो कि थी पोर्ट स्कैनर के हवाले से। तो इसमें सबसे पहले तो कुछ इम्पोर्ट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को कॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने एक मैक्सिमम थ्रेड की वैल्यू डिफाइन की है, जो कि लेटर ऑन यूज़ होगी किसी मतलब हवाले से, वो मैं आगे जाके भी डिस्कस करता हूँ। तो ये जो हमारा मेन प्रोग्राम है, ये शुरू होता है यहाँ से। ये सबसे पहले तो चेक करता है कि हमारा जो कमांड लाइन है, वहाँ से हमें रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स हैं टारगेट का आईपी और पोर्ट स्टार्ट पोर्ट एंड। तो ये प्रोग्राम जब चलता है तो इसको चाहिए होते हैं टारगेट का आईपी और स्टार्ट और एंड वाली पोर्ट जो आप स्कैन करना चाह रहे हैं। तो ये उस रेंज के अंदर ये प्रोग्राम जो है स्कैनिंग करता है। अच्छा, उसके बाद जब ये देखता है कि अगर तो आपने रिक्वायर्ड आर्गुमेंट प्रोवाइड किए हैं, तो अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स में रेलेवेंट वैल्यूज को असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे टारगेट आईपी में आर्गुमेंट नंबर 1 चला जाता है, पोर्ट स्टार्ट में आर्गुमेंट नंबर 2 और पोर्ट एंड में आर्गुमेंट नंबर 3। ठीक है, और उसके बाद ये चेक करता है कि अगर आपने टारगेट में आईपी की जगह होस्ट नेम दिया है, तो वो उसको कन्वर्ट कर लेता है आईपी के अंदर, और अगर वो आईपी हो तो ज़ाहिर है वो आईपी रिटर्न हो जाता है और उसको एक वेरिएबल माई आईपी में स्टोर कर लेता है। अगर आपने कोई रिक्वायर्ड आर्गुमेंट मिस कर दिया हो, तो ये आपको यूजेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे के प्रोग्राम को एग्जिट कर लेता है। उसके बाद चूंकि ये एक मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग मॉडल पे प्रोग्राम बना हुआ है, तो ये क्यू बना लेता है एम्प्टी। और उसके बाद आपने जितने मैक्सिमम थ्रेड बताए होते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि ये प्रोग्राम जो है मैक्सिमम 200 थ्रेड तक मैंने लिमिट किया है, तो 200 थ्रेड के अंदर ये रेंज में ये फॉर का लूप कॉल होता है और ये 200 थ्रेड्स को एक्टिव कर लेता है इस प्रोग्राम के अगेंस्ट। उसके बाद यहाँ पर ये करंट टाइम स्टोर कर लेता है। ये कैलकुलेट होगा बाद में ये चेक करने के लिए कि हमारे स्कैन ने कितना टाइम लिया। तो जो स्टार्ट टाइम है वो T1 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। फिर आपने जितनी पोर्ट्स दी होती हैं, जो पोर्ट की रेंज दी है स्टार्ट और एंड वाली, ठीक है, उसके लिए एक फॉर का लूप चलता है और वो क्यू के अंदर वो जितनी पोर्ट्स हैं उनको 1 by 1 पुट कर देता है। हमने यहाँ पे एक एम्प्टी क्यू बनाई थी ना, यहाँ पे इसके अंदर वो जितनी आपने पोर्ट की रेंज दी हुई है, उसमें से हर पोर्ट को यहाँ पे एड अप करवा देता है। ठीक है, उसके बाद ये वो जो क्यू है उसको वो एक्टिवेट 1 by 1 करता चला जाता है और फिर उस क्यू के अगेंस्ट यहाँ पे वो जो हर एक पोर्ट है 1 by 1 वो स्कैन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें हमने जो थ्रेडर है, जो कि थ्रेड का कंट्रोलर है, उसको वो क्यू के गेट के साथ लिंक कर रहे हैं। तो जो ही क्यू के अंदर हम कोई भी वेरिएबल डालते हैं, तो उसको एक थ्रेड और एक वर्कर असाइन हो जाता है। ठीक है, और जाहिर है क्यू के अंदर हम क्या डाल रहे थे, पोर्ट नंबर, ये देखिए माई क्यू डॉट पोर्ट, और उसके अंदर हमने पोर्ट डाली ना। तो जो ही हम पोर्ट उस क्यू में डालेंगे, तो साथ ही उस वाले क्यू के पॉइंट को, इंस्टांस को एक वर्कर साइन हो जाएगा और स्कैन का फंक्शन कॉल, माई स्कैन का फंक्शन कॉल कर लिया जाएगा विद दैट क्यू, और क्यू में क्या है एक्चुअली पोर्ट नंबर। तो ये माई स्कैन का फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर कोई पोर्ट ट्रांसफर होगी क्यू के थ्रू, ठीक है, और ये ट्राई करेगा एक सॉकेट बनाने के बाद उससे कनेक्ट करने की। अगर तो कनेक्शन हो जाता है, तो ये डिस्प्ले करवा देगा कि पोर्ट ये वाली जो है ओपन है,
और कनेक्शन क्लोज कर देगा। अगर कनेक्शन नहीं बन पाता जिसकी ये ट्राई 5 सेकंड तक करेगा, ठीक है, तो अगर कनेक्शन नहीं कर पाता तो ये उसको पास करवा देगा, यानी कि ये वाला जो थ्रेड है या माई स्कैन का फंक्शन अपना काम करके खत्म कर देगा, और यहाँ पे वो जो क्यू जो है उसका वो टास्क डन वाला काम होकर वो जो थ्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो आपने जो भी पोर्ट की रेंज डिफाइन की है स्टार्ट पोर्ट और एंड पोर्ट की सूरत में, तो वो 200 थ्रेड ये प्रोग्राम बनाएगा स्टार्ट के टाइम पे, और वो फॉर का एक लूप चलेगा जो कि स्टार्ट पोर्ट से लेके एंड पोर्ट तक होगा। हर पोर्ट को एक वर्कर या एक थ्रेड साइन होगा और उसको स्कैन किया जाएगा। स्कैन कैसे किया जाएगा कि पोर्ट स्कैनर एक्चुअली उसे उस पोर्ट के ऊपर कनेक्शन बना के ट्राई करेगा। अगर तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये शो कर देगा कि जनाब पोर्ट ओपन है, और अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता तो कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं पोर्ट स्कैनर को। ठीक है जी, तो ये इसका कमांड लाइन आर्गुमेंट है। हम इसको पहले कोई पोर्ट वगैरह असाइन नहीं करते और देखते हैं कि ये कैच करता है इस इशू को कि नहीं। तो बिल्कुल जी, इसने यहाँ पे इसको कैच कर लिया और एरर दे दिया, और अब हम इसको प्रॉपर चला के देखते हैं 1 से 1024 तक जो पहली 1024 पोर्ट्स हैं वो मैं इस प्रोग्राम को साइन कर रहा हूँ स्कैनिंग के लिए। ये देखिए पाइथन प्रोग्राम का नाम, लोकल होस्ट यानी कि आपने किसको स्कैन करना है, किस टारगेट को, और स्टार्ट पोर्ट और एंड पोर्ट। ये जब मैं एंटर करता हूँ तो देखें इसने वो 200 थ्रेड्स बना के उसके अगेंस्ट इसने स्कैनिंग शुरू कर दी है, और उन थ्रेड्स ने अलग अलग रिजल्ट देना शुरू कर दिए हैं। अभी तक हमारे सामने कुछ पोर्ट्स नज़र आ रही हैं जो जो इसने स्कैन कर ली हैं, और ये देखें इसने 12 सेकंड में इसने ये पहली जो 1024 पोर्ट्स होती हैं उनको स्कैन करके हमें रिजल्ट दे दिए कि ये 135 नंबर पोर्ट, 443, 445, 843, 912 और 902 पोर्ट्स आर ओपन। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम एन मैप में रन करके देखते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस के लिए। तो हमने एन मैप इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें भी हम एन मैप पोर्ट देते हैं 1 से 1024, पर बोस इसलिए देंगे कि हमें साथ साथ उसकी स्टेटस बताता रहेगा और लोकल होस्ट को स्कैन करवाते हैं। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया एन मैप का स्कैन, इसने भी स्कैनिंग स्टार्ट कर दी। और ये कमोबेश तकरीबन उतनी ही पोर्ट दिखाने के करीब जा रहा है जितनी हमारे वाले प्रोग्राम ने दिखाई थी। जी, तो ये एनमैप का स्कैन कंप्लीट हो गया, अब हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो हमारे प्रोग्राम ने 135, 443, 445, 843, 912, 902 टोटल 6 पोर्ट्स बताई हैं कि ओपन है। हम देखते हैं कि एनमैप स्कैन हमें कितनी बता रहा है। तो 135, 445, 443, 902, 912, 843, तो इसने भी हमें वही 6 पोर्ट सिखाई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा स्कैन और वो स्कैन तकरीबन बराबर काम कर रहा है। हाँ, इसमें चूंकि इसने उसके बाद उस पर डिस्कवरी ऑफ द सर्विस भी की है जिसपे इसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है, तो इसने तकरीबन 42 सेकंड्स में ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है विद डिस्कवरी ऑफ द सर्विसेज, जबकि हमारे वाला प्रोग्राम जो कि डिस्कवरी ऑफ द सर्विसेज नहीं करता तो इसने तकरीबन 12 सेकंड लिए हैं। तो कमोबेश एनमैप ने भी 12 से 15 सेकंड लिए थे
इतनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए, और उसके बाद फिर सर्विस डिस्कवरी में उसने बाकी का टाइम लिया। तो ये हमारा प्रोग्राम फिलहाल बिल्कुल एनमैप के बराबर रन कर रहा है, और अगर हम इसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें लाइक श्योरिटी के ऊपर, तो ये जो हमने 5 सेकेंड्स का टाइम इसको दिया हुआ है, अगर हम इसको बिल्कुल 3 सेकेंड कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा मजीद कम टाइम लेगा। इसको हम ट्राई भी करके देख लेते हैं। इसको हमने 3 कर दिया और अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा चला के देखते हैं कि हमें इससे कितना टाइम गेन होगा। जिसने तकरीबन उतना ही टाइम लिया, तो एनीवे हम इसको वापस वैल्यू को 5 पे ले जाते हैं कि वो पोर्ट्स जो के कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए बेहतर है कि हमें थोड़ी सी श्योरिटी रहे कि वो वाकई पोर्ट क्लोज है, कहीं बिजी तो नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा असाइनमेंट नंबर 3 पोर्ट्स के अंदर।